सुंदरवन जंगल में कालीचरण नाम का एक जमींदार कौवा रहता था। बहुत सारे पक्षी उसके खेतों में काम किया करते थे। बंटी कबूतर भी उन्हीं में से एक था। वो भी जमींदार के खेतों में मेहनत मजदूरी किया करता था। एक दिन जब बंटी जमींदार के खेतों पर काम करने जाने लगा तो उसकी पत्नी टुनटुनी से रोकते हुए कहती है, अजी सुनते हो, घर का राशन खत्म हो गया है। शाम को घर लौटते समय बाजार से लेते आना। मैं जमींदार से कुछ पैसे मांग लूंगा, अगर मिल गया तो राशन लेता आऊंगा, तुम चिंता मत करो। बंटी कबूतर खेत पर चला जाता है। वो फसल को देखकर कहता है, फसल तो अच्छी हुई है, मालिक देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। थोड़ी देर बाद जमींदार कालीचरण भी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी फसल देख कर वो भी खुश हो जाता है। अरे बंटी, फसल तो बहुत अच्छी हुई है रे, अब काटने की तैयारी कर। समय से पहले हमारे अनाज मंडी में पहुंच जाएंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। मालिक, अभी फसल को पकने में थोड़ा और समय लगेगा। जैसे ही फसल पककर तैयार हो जाएगी मैं काट कर बोरियों में भर दूंगा। मालिक, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। वाह बंटी जी वाह, जरा सी मैंने तेरी तारीफ कर दी तो तू मेरा सर पर चढ़ गया। बंटी लटका हुआ मुंह लेकर अपने घर वापस आता है। अरे आप तो खाली हाथ घर लौटे हैं, मैं कैसे खाना पकाऊंगी? टुनटुनी, एक पैसा भी नहीं दिया जमींदार ने, मैं राशन कहाँ से लाता? लगता है कुछ दिनों तक पानी पीकर गुजारा करना होगा। मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत विनती करी लेकिन मालिक ने मेरी एक न सुनी। रात को दोनों पति पत्नी पानी पीकर ही सो जाते हैं। आधी रात को बादल गरजने की आवाज से उनकी आंख खुलती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। जमींदार की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बंटी, तेरी बुरी नजर मेरी फसल को लग गई। इसकी भरपाई तो मैं तुझसे ही करके रहूँगा। तू अपना घर मेरे नाम कर दे, मैं उसे बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करूँगा। जमींदार की बातें सुनकर बंटी वहीं खेत में बैठकर आंसू बहाने लगा। सुबह से शाम हो गई, फिर रात हो गई, बंटी घर नहीं लौटा। घर पर टुनटुनी परेशान थी। पता नहीं क्या बात हो गई, अभी तक घर नहीं लौटे, मुझे ढूंढने के लिए जाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह टुनटुनी अपने पति को ढूंढती हुई खेत पर पहुंचती है। अरे आप यहाँ इतनी तेज बारिश में क्या कर रहे हैं? घर पर मैं कितनी परेशान थी, मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उठिए घर चलिए। कौन सा घर? उस घर को जमींदार नीलाम करके अपना नुकसान पूरा करेगा। इस बारिश ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया टुनटुनी, अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? टुनटुनी, इस जंगल से मेरा दिल भर गया है, अब मैं इस जंगल में एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। चलो हम दोनों कहीं किसी दूसरे जंगल में चलते हैं। हिम्मत रखिए जी, अपना जी छोटा मत कीजिए। उस जमींदार कितनी हिम्मत की, मेरे घर को नीलाम करेगा। चलिए घर चलिए, मैं उस जमींदार से निपट लूंगी। किसी तरह टुनटुनी बंटी को अपने साथ लेकर घर लौटती है, लेकिन जमींदार के गुंडे पहले से ही टुनटुनी के घर पर कब्जा किए हुए थे। टुनटुनी, चल सामान उठा और यहाँ से भाग जा। भैया आप देख रहे हो, इतना तेज बारिश हो रही है, हम दोनों पति पत्नी कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में? आप लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हम लोगों की गैर हाजिरी में मेरे घर में घुस गए? निकलो तुम सब मेरे घर से, हम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये घर मेरा है और हम दोनों यही रहेंगे। टुनटुनी भाग जा यहाँ से, तू नहीं जानती मालिक तेरी बोटी बोटी नोच कर चील को खिला देंगे। भाग जा यहाँ से, भाग जाओ तुम दोनों। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया पास वाले जंगल में चले जाते हैं और बंटी और टुनटुनी चिड़िया को एक पुराना जूता मिलता है। टुनटुनी किसी तरह उस जूते को अपना घर बना लेती है और उसे एक पेड़ पर लटका देती है और उसमें अपना घोंसला बनाकर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।
टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ सोनापुर गांव में रहती थी। टुनटुनी खेती करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। पड़ोस में उसकी बड़ी बहन पिंकी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया खेत पर जाने के लिए निकलती है तो वो रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रही होती है। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। पिछले साल भी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी बारिश ज्यादा हुई तो बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। तभी पीछे उसकी बहन पिंकी चिड़िया उसको आवाज देते हुए कहती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, क्या हुआ बहन, क्यों आवाज दे रही हो? अरे कब से मैं तुझे आवाज दे रही हूँ, हैं? तू सुनती क्यों नहीं है? अच्छा सुन, मुझे ना किसी जरूरी काम से शहर के जंगल जाना पड़ेगा, तो क्या आज तुम मेरी जमीन खोद दोगी? बोलो ना बहन, कर दोगी क्या? इतना काम पर मुझे तो अपनी जमीन भी खोदनी है। अरे अपना काम कल कर लेना, आज तू मेरी जमीन खोद दे बहन। अगर मैं आज शहर के जंगल नहीं जा पाई तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है पिंकी, मैं खोद दूंगी। अरे वाह वाह, ये हुई ना अच्छी बहन वाली बात। अपना काम टुनटुनी के सर मढ़ कर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ा आगे जाकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने उस पागल टुनटुनी को, अब घर जाकर मैं आराम से सो जाती हूँ। बिचारी टुनटुनी सारा दिन पिंकी चिड़िया के खेत में खुदाई करती है और आलसी पिंकी घोंसले में आराम से सो रही होती है। रात होने के बाद पिंकी चिड़िया खेतों की ओर निकल पड़ती है। अपने खेत पर पहुंचकर वो चौंक जाती है। अरे वाह, इसने तो सारी की सारी जमीन खोद डाली। मेरा काम हो गया पिंकी, और आपके शहर के जंगल का काम हो गया क्या? हाँ हाँ, मेरा काम हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा बहन, अगर आपकी मुश्किल घड़ी में मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? आखिर बहन ही तो बहन के काम आती है। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही बहन। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर पेड़ की डाल पर बैठकर किसी सोच में पड़ी हुई होती है। तभी उसकी माँ टुनी चिड़िया उसको आवाज लगाती है, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से आ बेटा, जल्दी से आकर खाना खा ले, मुझे और भी बहुत से काम हैं। अभी आई माँ? थोड़े से चावल बनाए हैं, खा ले। लेकिन माँ ये तो एक ही प्लेट है, आपकी थाली कहाँ है? बेटा मेरा पेट सुबह से भारी है, इसलिए भूख नहीं लग रही, तू ही खा ले। हे ऊपर वाले, मुझसे अपनी बूढ़ी माँ का कष्ट नहीं देखा जाता, अब तू हमारे दिन बदल दे। खाना खाकर टुनटुनी चिड़िया खेतों पर काम करने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे पिंकी चिड़िया मिल जाती है। अरे ओ टुनटुनी, अरे कहाँ जा रही हो? पिंकी बहन आज जल्दी से मुझे अपनी जमीन खोद कर, वो हरी काका की यहाँ पर जमीन खोदने जाना है। अरे लेकिन क्यों? वो क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो उस बूढ़े की जमीन खोदने जाएगी? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, उनकी उम्र हो गई है तो वो काम नहीं कर पाते, इसलिए उनकी मदद करने जाऊंगी। अरे ये सब तो उस बूढ़े की चाल है तुझसे काम निकलवाने की, और मेरी बात याद रख, सीधे और सच्चे बनकर कभी जिया नहीं जा सकता। पिंकी बहन, ये चालाकी और धोखेबाजी मुझसे नहीं होती। पिताजी की जमीन पर खेती करके जो फसल उगती है उससे मेरा मेरी माँ का गुजारा चल जाता है, और माँ हमेशा कहती है कि जब समय आएगा तो ऊपर वाला मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर डालेगा। अरे जा जा, तू और तेरी माँ, तुम दोनों बस इसी भ्रम में रहना, बेवकूफ कहीं की। इसके बाद पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वहाँ सामने एक मंदिर होता है। टुनटुनी चिड़िया मंदिर की तरफ देखती है और कहती है, हे ऊपर वाले, हम पर भी अपनी कृपा दिखाना। एक दिन टुनटुनी चिड़िया नींद में होती है तो वो सपना देखती है कि वो कहीं दूर जंगल में जा रही होती है, तो वो थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, और वो पेड़ जादुई पेड़ होता है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठती है तो उसके ऊपर सोने की मोहरों की बारिश होने लगती है। फिर एकदम से टुनटुनी चिड़िया नींद से जाग जाती है। अरे सुबह हो गई, माँ कहती है सुबह के सपने सच होते हैं, तो इसका मतलब मुझ पर सचमुच सोने की बारिश होगी। अगर ऐसा सच में हो गया तो मैं माँ को ढेर सारी खुशियाँ दे पाऊंगी। आ रही हूँ माँ, माँ कहाँ हो? क्या हुआ टुनटुनी, सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही है?
माँ, मैंने सपना देखा कि मेरे ऊपर सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। तुम्हीं तो कहती हो ना कि सुबह के सपने सच होते हैं। पागल चिड़िया, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। चल अब खाना खा ले। टुनटुनी चिड़िया सपने के बारे में सोचकर खुशी खुशी खेत पर काम करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे पिंकी चिड़िया मिलती है और उससे कहती है, टुनटुनी मैंने आज सपना देखा कि खेत में एक मटका है जिसमें सोने से भरे मोहरे रखे हैं। अच्छा पिंकी, मैंने भी एक सपना देखा कि मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ और सोने की मोहरे मेरे ऊपर गिर रही है। पिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। अब सपनों को सच मत समझना। फिर दोनों अपने अपने खेत पर खेती करने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में खुदाई कर रही होती है कि तभी उसे घड़ा दिखाई देता है। अरे ये क्या है घड़ा, जरा खोल कर तो देखो। टुनटुनी चिड़िया वो घड़ा खोल कर देखती है तो उसमें ढेर सोने की मोहरे होती है। फिर उसे याद आता है कि पिंकी ने कहा था कि उन्हें सपने में जमीन के नीचे सोने की मोहरे मिली थी। बिचारी टुनटुनी फिर अपना भोलापन दिखाती है और पिंकी को जाकर सारी बात बताती है। पिंकी बहन, आपका सपना भगवान ने पूरा कर दिया है। मेरे खेत में जमीन के नीचे घड़ा है जिसमें सोने की मोहरे हैं। आपने कहा था ना कि जमीन के नीचे से सोने की मोहरे निकलेंगी, इसलिए वो सब मोहरे तुम्हारी हैं। सुबह का सपना सच हो गया बहन। टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को मटका देकर चली जाती है। तभी पिंकी बहुत खुश होती है। ये तो पूरी बेवकूफी है। खैर मुझे क्या, मैं तो चलकर अपनी सोने की मोहरे ले जाती हूँ। आज तो मजा आ गया। पिंकी चिड़िया जैसे ही मटका खोलती है तो उसमें से मधुमक्खियाँ निकलती है। ये देखकर पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है और उसकी झोपड़ी में छेद करके वो उस घड़े को उल्टा करके नीचे सो रही टुनटुनी चिड़िया पर डाल देती है। टुनटुनी की एकदम से आँख खुलती है तो वो हैरान रह जाती है। उसके ऊपर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही थी। माँ माँ देखो, माँ मुझ पर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। माँ मेरा सपना सच हो गया। माँ ये क्या है, मधुमक्खियाँ सोने की मोहरे बन गई। इसका मतलब सिर्फ घड़े के ऊपर ही मधुमक्खियाँ थी लेकिन उसके अंदर मोहरे थी। हे भगवान, काश घड़े को उलटने से पहले एक बार मैं देख लेती। ये मुझसे कैसी भूल हो गई, मेरे हाथ से आती हुई लक्ष्मी चली गई। पिंकी चिड़िया को अपनी भूल पर पछतावा होता है तो वही टुनटुनी चिड़िया उसकी माँ खुशी से झूम उठते हैं।